दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि दुनिया की कोई भी संख्या हो यदि उसे 11 से गुना करना है तो सेकेंडों में आप कैसे कर पाएगा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जो बात आपने अभी अभी सुनी है वो हकीकत है। दुनिया की कोई भी संख्या अगर रहेगा उसको अगर 11 से गुना करने के लिए आपको दे दिया जाए तो दोस्तों आप उसे सेकेंडों में कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों साथ मुझे शेयर करिए दोस्तों। और दोस्तों क्या करना है, सबसे बड़ी काम कि आपको शुरू से लास्ट तक ले हमारी वीडियो को आपको देखना है, तभी दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग मैंने यहाँ पर दिया हूँ दोस्तों TRCK। दोस्तों देखिए कि एन इंटू 11 यानी कि कोई भी संख्या, एन का मतलब होता है एनी नंबर, ठीक है दोस्तों, एनी नंबर, कोई भी संख्या को 11 से गुना हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आया है कि 3 × 11, ठीक है। तो अगर इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 3 3 हो जाएगा, ठीक है, साधारण सी बात है। लेकिन दोस्तों क्या यदि आपको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको कैसे कर पाइएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ 64 × 11, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले नंबर दोस्तों क्या करना है कि ये जो संख्या लिखी हुई है 4, आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इन दोनों को बीच में ऐड करना है। 6 × 4 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, तो 10 के लिख देना है 0, बाकी कितना बच गया भाई, 1 बच गया है। और यहाँ कितना लास्ट में क्या बच रहा है दोस्तों, 6, तो 6 कितना हो गया दोस्तों, 7। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया दोस्तों, मजा आ रहा है ना। देखिए अगले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अगर मान लेते हैं 7 6 8 यदि गुना करना है 11 से तो कैसे करेंगे। यदि इस संख्या को सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 8 है, 8 लिख दिए। अब इन दोनों को बीच में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 × 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 के क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हासिल रह गया, 1 रह गया, ठीक है ना। फिर अब इन दोनों को जोड़ना है तो 6 × 6 = 12 13 13 कितना हो गया दोस्तों, 14। 14 × 4 बाकी 1 रह गया, लास्ट में संख्या बची है 7, तो 7 × 1 कितना हो गया, 8। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 8 4 4 8 इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं एक इसमें से और बड़ा क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों, किसे कैसे करना है, ठीक है। देखिए फटाफट इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपको हम लेके दिखाता हूँ दोस्तों। मान लेते हैं कि 7 6 8 9 2 5 6 3 × 11 है दोस्तों, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जनरल तरीका से यदि हम करते हैं दोस्तों तो हमें समय लग जाता है। तो इसे करना क्या है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले नंबर आपको ये लास्ट वाला संख्या को लिख देना है। तो लास्ट में कितना दिया गया भाई, 3 दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को बीच वाले संख्या को हमको क्या करना है भाई, जोड़ना है। तो 6 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, इसमें कैरी नहीं बचा हुआ। अब इसके बीच में अगर हम ऐड करते हैं तो 6 × 5 कितना, 11। तो 11 का 1 और कैरी रह गया, 1 रह गया। अब इसमें देखिए तो 5 × 2 = 7 7 × 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कैरी नहीं रहा तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों कि 9 9 10 11 11 का 1 कैरी बच गया, 1 आपका। इसके बीच में देखिएगा तो 8 8 16 1 17 1 कितना बाकी जो था ये वाला कैरी, तो 8 8 16 1 17 17 1 कितना गया दोस्तों, 18 18 के 8 फिर बाकी रह गया, इसमें 1 रह जाएगा। अगर इसमें बात कर लेते हैं तो 8 6 14 हो गया, 14 1 कितना हो गया, 15 बाकी रह जाएगा 1। इसमें अगर बात करिएगा तो 6 6 12 13 13 कितना हो गया, 14 कर रह गया 1 दोस्तों। लास्ट वाला संख्या बच गया कितना दोस्तों, 7 7 1 कितना हो जाएगा, 7 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 8 4 5 8 1 8 1 9 3। दोस्तों देखिए कितना आसानी से चीज़ें आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 11 से कोई भी संख्या को कितनों बड़ा दे दिया जाए तो आप इसको सेकेंड में उड़ा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ दोस्तों, आप उसे कर करके हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं दोस्तों कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करके हमें दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।